नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष संबंधी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और रत्न ज्योतिष में आज हम आपको बताएंगे कि धनु लग्न में हम कौन सा रत्न धारण करें, कौन सा रत्न हमारे लिए फायदेमंद होगा। और मित्रों, आपसे निवेदन भी करूंगा कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धनु लग्न की बात करेंगे। धनु लग्न में सूर्य नवम भाव भाग्य स्थान है, इसका स्वामी होता है सूर्य लग्नेश गुरु। प्रथम जो धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, लग्नेश गुरु से मित्रतापूर्ण संबंध भी रखता है, इसलिए इस लग्न के व्यक्ति आर्थिक लाभ, भाग्योन्नति एवं पितृ सुख आदि के लिए इस नग को अर्थात सूर्य के नग को, माणिक को पहन सकते हैं। और जब इनकी दशा आएगी, सूर्य की दशा महादशा, तब यह बहुत सुंदर, बहुत अच्छा फल देगा। इसी प्रकार से अब बात करते हैं हम धनु लग्न में चंद्रमा के स्टोन मोती के संबंध में। धनु लग्न में चंद्रमा जो है अष्टम भाव का स्वामी बनता है और आठवां भाव मारक भाव भी होता है, अच्छा भाव भी नहीं कहा जाता इसको। इसलिए इस लग्न के जातकों को मोती धारण कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि वो मोती धारण करते हैं तो उनके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अब धनु लग्न में मंगल। धनु लग्न में जो है मंगल की स्थिति क्या है? धनु लग्न में मंगल पंचमेश बनता है, पांचवा भाव का स्वामी और बारहवें भाव का स्वामी होता है, जो कि शुभ है। इसलिए संतान सुख, यश, कीर्ति, मान सम्मान, बुद्धि, भाग्योदय के लिए आप मूंगा अवश्य धारण कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे हम धनु लग्न में बुध रत्न पन्ना के संबंध में। धनु लग्न 9 नंबर का लग्न धनु लग्न है और बुध की स्थिति क्या बनती है? बुध सप्तमेश बनता है और दशमेश बनता है, इसका दशम भाव का स्वामी। इसको केंद्र अधिपति, दो केंद्रों का स्वामी होने के कारण इसको केंद्र अधिपति दोष लगता है। लेकिन इसके बाद भी यदि बुध लग्न दूसरे, पांचवें, नौवें, दसवें, ग्यारहवें भाव में स्थित हो तो बुध की महादशा में आप पन्ना धारण कर सकते हैं। आर्थिक लाभ, व्यवसाय में उन्नति तथा समृद्धि और बढ़ोतरी देगा। यदि बुध किसी निकृष्ट भाव में स्थित हो तो पन्ना पहनना श्रेयस्कर होता है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और धनु में जो है, धनु लग्न में जो गुरु रत्न पुखराज होता है उसके संबंध में बात करेंगे। बृहस्पति का रत्न पुखराज होता है। बृहस्पति स्वयं लग्नेश है और चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश है। यह बहुत ही अत्यंत शुभ फलदायी स्थिति है, इसलिए इस लग्न में पुखराज को आजीवन धारण किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए इस लग्न के लिए करेंगे शुक्र का रत्न हीरा या ओपल के संबंध में। धनु लग्न के लिए शुक्र की जो स्थिति बनती है, छठे भाव का स्वामी है और ग्यारहवां एकादश भाव का स्वामी है। इस भाव को शुभ नहीं माना गया है। और दूसरा, जो लग्नेश जो बृहस्पति है उसका भी शुक्र से संबंध अच्छा नहीं है, एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। इसलिए इस लग्न के जातक को कभी भी हीरा या ओपल नहीं पहनना चाहिए। इसी क्रम में बढ़ते हुए अब बात करेंगे धनु लग्न में शनि रत्न नीलम के संबंध में। धनु लग्न में शनि दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी होता है। यह दोनों भाव अशुभ हैं, दोनों भाव शुभ नहीं है। और गुरु शनि में शत्रु परस्पर जो संबंध है, शत्रुता का संबंध है, इसलिए इस लग्न वाले व्यक्ति को नीलम कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने आपको जानकारी दी धनु लग्न में हम कौन सा रत्न धारण करें, कौन सा रत्न हमारे लिए फलदायी होगा। यह जानकारी आपको कैसे लगी? और पुनः निवेदन भी करूँगा कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।